अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, ये क्विक सा मीठा जी, जब आपका दिल करे कुछ मीठा खाने के लिए या कोई ऐसा ही सेलिब्रेशन छोटा सा करना हो तो उसके लिए आज बनेंगे चंकी डोनट्स। इसके लिए एक कप मैदा आपने लेना है और तकरीबन जो है आपने लेना है एक टेबलस्पून भर के जो है वो यीस्ट, और तीन टीस्पून और डेढ़ टेबलस्पून भर के आपने चीनी लेनी है, चुटकी भर नमक लेना है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि नमक और ये इकट्ठा आप नहीं मिलाना, ये एक साइड पे मिक्स करके फिर आपने बाकी सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करना है। इससे कहते हैं जी कि ये एक्टिव नहीं होता यीस्ट, लेकिन बहरहाल जब नहीं पता था तब भी हो ही जाता था, लेकिन आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप लिया है लूक वार्म मिल्क, यानी इतना लूक वार्म कि जिसमें आप अगर फिंगर डिप करेंगे तो आपकी जल नहीं चाहिए। अब आपने एक टेबलस्पून भर के मक्खन लेके उसको मेल्ट करना है और इसमें डाल देना है। यहाँ पे एक अंडा है वो उसको बीट करना है। अच्छा, ये मुझे वनीला जो है फ्लेवर मिला है पाउडर की शक्ल में, वनीला एसेंस नहीं अवेलेबल था यहाँ पे, तो ये जी इसमें से आप तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने लेके वो इसमें मिक्स कर लिया है। और अब सारे इन्ग्रीडियंट जो हैं इनको हम ड्राई और वेट इन्ग्रीडियंट को मिक्स करना शुरू करते हैं। ये दो दफ़े बहुत दफ़ा मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको दोबारा जो है रिकॉर्ड मैंने किया है कि इंस्टेड ऑफ जो कोई पहली दफ़ा देख रहा है तो चलो उसके लिए आसानी हो जाए। तो बस इसको हमने करके और इसको हमने डो की शक्ल दे देनी है। अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये देखिए इस तरह सॉफ्ट ये डो है कि ये मैं फौरी भी मैं बज़ दफ़ा मैंने बना लिए हैं तो ये बहुत अच्छे बने हैं। तो बस ये देख लीजिए हमारी राइस हो गई है, आपने 10-15 मिनट इसको रेस्ट देना है, इसको फिर भूनना है। बहुत सी रेसिपीज़ में आपको बहुत दफ़ा वो आपको भूनता हुआ नज़र आएंगे लोग, लेकिन मेरे नज़दीक इतना वैसे फ्लेवरिंग में कोई फ़र्क नहीं इसका था। ये देख लीजिए सॉफ्ट डो के साथ अब इसको हमने रोल करना है ग्लास के साथ। मेरे पास कटर नहीं था, मैंने ग्लास के साथ कुछ जो है मैंने इस तरह रखे हैं, और एक बड़ा डोनट बना के मैंने उसको बीच में से जो बॉटल का जो है जो ढक्कन है उसके साथ में दरमियान में से काट के, तो वो मैंने दूसरा डोनट बनाया है जो उसकी क्लासिक शेप है। थोड़ा सा पीस डाल के देखिएगा, तो बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली इनको राइज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक अगर आप इनको होलो करना चाहते हैं तो आप इनको प्रेस मत कीजिएगा, लेकिन वरना आपने हल्का से इसको दबा के और फिर इसके अंदर इसमें आपने जो है फ्राइंग के लिए आप डालिएगा। देखिए ज़बरदस्त से हमारे राइस हो गए। ये दूसरे वाला देखिए जिस मैंने कटर के साथ कर लिया है, इसको मैंने थोड़ा प्रेस किया है क्योंकि मुझे इसको बहुत फुलाना नहीं है, इसके अंदर फिलिंग नहीं डालनी, इसके अंदर मैंने ऊपर जो है ना फिलिंग क्या वो लगाएंगे चॉकलेट लगाएंगे हम इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया और गर्म पानी में मैंने जो है वो डार्क चॉकलेट है, स्वीट चॉकलेट है, और ये इसको मैंने इसके साथ ही रैपर के साथ इसके अंदर डाल दिया है वो मेल्ट करना। और वो अल्लाह भला करे किसी ने ये वैसे मैंने इंस्टा पे कहीं पे देखा था, तो बस इसी रैपर के साथ ही आपने भी इसको करना है। और मेरे पास ये सिरिंज वो पतली वाली है, इसकी मैंने नीडल नहीं लगाई, और इसको यूँ सारा ग्लास में रख के पैकेट को, और मैंने इसको जो है वो चॉकलेट से फिल करके और इसमें हमने डोनट में फिल कर लेना है। किसी भी चमचे की बैग से पहले इसको और भी होलो कर लीजिएगा, अगर नहीं होलो तो उसका वो आपने दबा के अंदर से होलो करके फिर आप चॉकलेट जो है उसके अंदर डालिएगा। तो ये बस इसके बाद बाकी की चॉकलेट मैंने ड्रिजल कर देनी है उनके ऊपर और उसको मैं स्प्रेड कर दूंगी। गार्निशिंग आपने जो मर्ज़ी आपका दिल चाहता है वो कीजिए। अब मेरे पास इस वक्त चॉकलेट चिप है, ये जो है हेज़लनट वाली चॉकलेट है, उसके मैंने मोटे मोटे चंक्स में काट लिया है, और एलमंड्स है। अच्छा, ये एलमंड्स में हल्के से ना सॉल्टेड है, ये बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर लगा था। ये लगता था कि अगर ये प्लेन होते तो ये मज़ा नहीं आना था, तो वो जैसे सॉल्टेड कैरमल वाला हिसाब है ना वो भी इसके साथ हुआ है। तो ये दोनों साइडों पे मैंने हाफ में वो डाल दिया, और ये देखिए जी चंकी डोनट्स हमारे क्विक से डोनट्स ये तैयार हैं। किसी भी सेलिब्रेशन के लिए, किसी भी जो है वो इवेंट के लिए, और वैसे ही मीठे को दिल चाहे तो फिर ये ऐसा कुछ मीठा हो जाए। यहाँ देखिए
मैंने इसके अंदर से भी दिखा दिया आपको, ये देखिए अंदर इसकी जो फिलिंग है, और ये देख लीजिए इसके जो दूसरे वाला है उसके बबल भी आप देख लीजिए कितने अच्छे स्पंजी, जो हमारा सॉफ्ट सा हमारा डोनट्स बने हैं। इसको बनाइए आप और इन्जॉय कीजिए और फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।